सो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर मोटिवेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और लेके आया हूँ, एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। द टाइम मैगजीन की पहली किंग ऑफ द ईयर बनी, कौन थी जो पहली किंग ऑफ द ईयर बनी, तो आज मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। गीतांजलि राव थी, जो गीतांजलि राव थी वो आपकी, वो हमारी थी यंगेस्ट साइंटिस्ट थी, जिनके बारे में आज इनकी मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो जब दूसरे 11 साल के बच्चे ने टीवी पे कार्टून देख रहे थे, तब गीतांजलि राव को साइंस और टेक्नोलॉजी की न्यूज़ सुनने में बहुत इंटरेस्ट रहता था। और ऐसे ही एक दिन न्यूज़ देखते टाइम गीतांजलि को US के फिनलैंड सिटी में हो रहे वाटर क्राइसिस के हाई अलर्ट के बारे में पता चला, जहां पानी में लीड की मात्रा बढ़ने के कारण पूरी सिटी में पीने के पानी की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। इस न्यूज़ में गीतांजलि को बहुत इफेक्ट किया और 11 साल की गीतांजलि ने डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसा करेंगी जिससे कि वो पूरी सिटी की मदद कर पाए, क्योंकि उस टाइम US के कई जगहों पर वाटर क्राइसिस बढ़ गई थी। इसलिए US के जो इन्वायरमेंट प्रोजेक्शन एजेंसी घर घर जाकर वाटर के सैंपल को कलेक्ट करते थे। इसी में गीतांजलि ने अपनी माँ को देखा कि वो बेसिक टेस्ट स्ट्रिप का यूज़ कर रही हैं और अपने पानी को जांचने के लिए। यह देखकर गीतांजलि बताती हैं कि वो काफ़ी हैरान हुई थी, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं लग रहा था। ये सारी कंडीशन को देखकर गीतांजलि ने एक डिवाइस बनाने का उनके दिमाग में प्लान आया, जिसकी हेल्प से पानी में लीड की मात्रा को आसानी से जांचा जा सके। इसके लिए गीतांजलि ने 3M के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिसर्च को कॉन्टैक्ट किया और उनकी हेल्प से अपने रिसर्च को शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट किया। 3M एक अमेरिकन कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है माइनसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने के लिए मानी जाती है। 3M के रिसर्च ने गीतांजलि को पूरे दिल से स्वागत किया और गीतांजलि के आइडिया को पूरी तरह से सपोर्ट किया। फाइनली गीतांजलि के हिडन टैलेंट की जर्नी यहाँ से शुरू हुई और गीतांजलि ने अपना डिवाइस टैथिस को लॉन्च किया। बेसिकली टैथिस एक छोटी सी डिवाइस थी जिसमें एक 9 वोल्ट की बैटरी, एक लीड सेंसिंग यूनिट, एक ब्लूटूथ एक्सटेंशन लगा था और कार्बन के दोनों ट्यूब्स लगे थे जो लीड के साथ टच होने से अपना रंग और रेजिस्टेंस चेंज करता है। गीतांजलि से इस नोनो ट्यूब्स के बारे में जाना जब वो MIT के वेबसाइट को चेक कर रहे थे, तो फाइनली टैथिस लॉन्च हुआ और सिर्फ US में नहीं दुनिया भर में बहुत सफल हुआ और US के अलावा काफ़ी देशों में भी टैथिस को यूज़ करना शुरू कर दिया गया। तो फिर इतने सक्सेसफुल डिवाइस बनाने के बाद बात आती है कि इसका प्राइस आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इसकी प्राइस $20 रखी गई। इस सक्सेसफुल डिवाइस को बनाने के बाद गीतांजलि को दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया गया और इंडिया से ज़्यादा गीतांजलि ने दूसरे देशों के नाम को रोशन किया। गीतांजलि को अमेरिका का टॉप यंगेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड दिया गया और $25,000 के कैश प्राइज के साथ फोर्ब्स 2019 के 30 Under 30 के लिस्ट में भी शामिल हुई। US इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूथ अवार्ड भी गीतांजलि को मिला और इसके साथ ही टॉप हेल्थ और पिलर प्राइज स्टूडेंट चैलेंज भी गीतांजलि ने जीता। इसके अलावा गीतांजलि ने TEDx की 3 बार स्पीकिंग भी कर चुकी हैं, जो कि एक 13 साल की स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और यही नहीं, लास्ट ईयर के TEDx इंडिया में भी गीतांजलि को इनवाइट किया गया, जहां पर गीतांजलि ने एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर स्पीच दुनिया भर के साइंटिस्टों के लिए दी। वहां पर गीतांजलि कहती है कि मूवीज़ के सुपर हीरो अगर रियल लाइफ में आजमाएं तो वो पैसे से हर कोई उनको क्या रिस्पेक्ट और एस्पिरेट करने जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में जो साइंटिस्ट जिन्होंने ऐतिहासिक रिसर्च करके दुनिया को चेंज किया है, जो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं होते, तो उन्हें लोग कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं।
तो आई होप दोस्तों मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। देन अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। एंड दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल अनिल आर्मी रेड मोटिवेशनल। एंड इसी तरह मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरियाँ लेके आऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में।